नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के जो योग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज उसमें हम बात करेंगे कि जमीन और मकान के योग को कैसे देखा जाता है कुंडली में। तो उसके लिए हमने यहाँ उदाहरण के लिए एक कुंडली रखी है, जिससे हम बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से भावों को, घरों को देखा जाएगा, जिससे कि आपको मकान जो है, जमीन और मकान का योग किस तरह से हो वो देखा जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जमीन और मकान योग के लिए चतुर्थ भाव को देखा जाता है। ये चतुर्थ भाव जो रहता है कुंडली का, ये सुख भाव कहलाता है। और सुख भाव से ही आपको मकान, जमीन और भू संपत्ति या जमीन और मकान योग के बारे में देखा जाता है। तो हमें क्या देखना है कि कुंडली में चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव उसका चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्भाव स्वामी जैसे यहाँ चंद्रमा है तथा मंगल, ये मंगल है जो इसका कारक है। ये अगर अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो आपको मकान का सुख प्राप्त होगा। तो यह इसमें फिर बहुत से सूत्र लगाए जा सकते हैं जिसको हम कुंडली में देख सकते हैं। तो कुंडली में चतुर्थेश जो है चंद्रमा हो गया यहाँ पे, और मंगल उसके साथ में है और वो केंद्र में बैठा है। तो इसका फल ये होगा कि आपको जरूर मकान प्राप्त होगा। दूसरा, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में मान लो यहाँ चला जाता है, और दशमेश जो है दशम भाव का स्वामी मान लो शनि यहाँ चला जाता है, तो चंद्रमा शनि की युति अगर होती है केंद्र त्रिकोण में, तब भी आपको मकान सुख प्राप्त हो सकता है। इसमें विशेष बात है कि लग्न बलवान होना चाहिए, चतुर्थ भाव बलवान होना चाहिए। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और कारक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। चतुर्थ भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे यहाँ शुक्र, चंद्र, बृहस्पति अच्छे हैं, तो इनके प्रभाव होना चाहिए आपकी कुंडली में, तो आपको अच्छे मकान के योग बन जाते हैं। अगर लग्नेश भी मान लो यहाँ मंगल है, अगर ये यहाँ पे बैठ जाते हैं अपने घर में, सौगरी खाओ या वो कुंडली में उच्च का हो, तो जब भी इसकी दशा मंगल की चलेगी तो आपको अच्छे मकान खरीदने का योग बन जाता है। फिर अगर इसकी दशा चले चौथे भाव की, जो मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है आपकी है, और वह सप्तम भाव में हो, तो जमीन आदि का योग मिलेगा। चंद्रमा जैसा अभी तो यहाँ बैठा है तभी भी मिलेगा, चंद्रमा कहीं पे भी केंद्र में हो और उसकी दशा चलेगी और उस पर शुभ प्रभाव होंगे और मंगल की स्थिति अच्छी होगी, तो आपको चंद्रमा की दशा में भी आपको मकान का योग बन जाता है। अगर चौथे भाव का स्वामी अपने घर में हो, मित्र के घर में हो, या ऐसी स्थिति भी आपकी कुंडली में कहीं भी बन रही होगी, और वो भी मकान के अच्छे योग के बारे में बताता है। इस तरह बृहस्पति भी जैसे आपके यहाँ पे जैसे उच्च का है, आपकी कुंडली में भी अगर उच्च का हो, मंगल भी अच्छी स्थिति में हो, तब भी आपको मकान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। तो हम बोलेंगे बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित हो, साथ में चंद्रमा भी जैसे यहाँ बैठा है साथ में है, तो जातक को श्रेष्ठ मकान है ना, बहुत ही अच्छा मकान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे मंगल और चंद्रमा और शुक्र बृहस्पति तीन ग्रहों की युति है, तो शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है, तो साज सज्जा वाला मकान आपको प्राप्त होगा। ऐसा अगर शुक्र की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है, चौथे भाव का कारक मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होगी, तो आपको सुसज्जित मकान के प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर सुख भाव पे अगर शनि स्थित हो, यहाँ मान लो शनि स्थित हो और शनि की दृष्टि हो, मंगल भी अच्छी स्थिति में हो, चतुर्थ भाव भी अच्छे हो, तो भी आपको अच्छा मकान का योग बनता है। अगर भाग्य का स्वामी जैसा यहाँ पे 9 नंबर जो है वो नवा भाव है, भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, वो चौथे भाव में बैठा है, तो
और इसका चौथे भाव का स्वामी मान लो नवम भाव में बैठे ऐसे राशि परिवर्तन करता है तो भी आपको अच्छा मकान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो भाग्य स्व दश में भी बलि होकर सुख भाव में स्थित हो तो भी उत्तम मकान का योग बनता है। मान लो ये दोनों बलि हो, नवम भाव दशम भाव जो दोनों बलि हो, और मान लो शनि और बृहस्पति भी यहाँ बैठे या शनि की जैसी यहाँ दृष्टि है तो भी आपको उत्तम मकान योग के योग बन जाते हैं। मेष या वृश्चिक राशि में मंगल रहता है तो और सुख भाव में अच्छी स्थिति में है तो भी आपको अच्छा मकान प्राप्त होता है। तो इस तरह आप बहुत से योग बनते हैं कुंडली में, वो आपको देखना है कि मुख्य हो तो चतुर्थ भाव है जो सुख भाव है, और चतुर्थ भाव सुख प्रभाव में होना चाहिए। सुख प्रभाव मंदिर शुक्र चंद्र बृहस्पति ऐसे अच्छे इनकी दृष्टि हो या युति हो, और चौथे भाव को कहीं से भी देख रहे हो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चौथे भाव का स्वामी भी अगर केंद्र में त्रिकोण में बैठता है या इनका राशि परिवर्तन नवम भाव से हो दशम भाव से हो, क्या इनका राशि परिवर्तन का मतलब है कि चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी नवम भाव में और चौथे भाव में हो, और चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में हो, नवम भाव का स्वामी दशम भाव में हो, मंगल की स्थिति अच्छी उच्च की सौ राशि की हो तो भी आपको आपको मकान के अच्छे योग बन जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के जितने अच्छे चीजें होगी उतना अच्छा है, परंतु यही चतुर्थ अगर आपकी कुंडली में नीच का शत्रु राशि का होगा और पाप प्रभाव में होगा तो आपकी भूमिका नाश करवाता है, तो ये अच्छा योग नहीं कहलाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव चतुर्थ मंगल की स्थिति अगर वो नीच की है शत्रु राशि की है और 6-8-12 में चले गए होंगे और उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव होगा राहु केतु का, तो आपको अच्छा मकान का योग नहीं बनता और उससे आपका भूमिका नाश होने का योग बन जाता है। तो हमने इस तरह देखा कि ये सब योग होने पर ही आपको अच्छे मकान के योग बन जाते हैं। तो आपको लग्न जो है वो आपका मुख्य ग्रह है तो वो बलवान होना चाहिए। साथ साथ में जो ग्रहों के हमने चौथा भाव के बात की, चौथे भाव के स्वामी और कारक मंगल, वो भी बलवान होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और साथ साथ में आपके इष्ट देवता की आराधना करना चाहिए जो हम पंचम भाव से देखते हैं, और जो ग्रहण है जिनकी दशा अंतर्दशा हमने बताई अगर वो चल रही है तो उनके मंत्रों के जाप करके उनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह जब दशा अंतर्दशाएं चले तो उन ग्रहों के मंत्रों के जाप करने के से उसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि अगर आपका कुंडली में किस तरह से जमीन और मकान योग को देखा जाता है, और उसको आप अपनी जो भी लग्न की कुंडली हो उसमें आपको चतुर्भाव चतुर्भाव का स्वामी और कारक मंगल की स्थिति को अच्छी अगर है और जिस तरह से हमने इसमें दर्शाया ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर इतने अच्छे सब योग बन रहे होंगे, इतने अच्छे संबंध युति संबंध दृष्टि उच्च के सौगरी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव पर है तो आपको अच्छे भवन अच्छी जमीन और मकान के योग बन जाते हैं। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से कुंडली में जमीन और मकान के योग को देखा जाता है। तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे कि जब भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। आपको अगर टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो मामूली दक्षिणा देख के आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।